हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के 13वें पाठ, जिसका नाम है पानी से खेलें, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए और लिखिए, पेज नंबर 65 अपने किताब में आप देखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है? तो इसका उत्तर है, जिस गिलास में चीनी डालकर चम्मच से हिलाई गई है, उस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है। अगला है प्रश्न 2, एक गिलास में चीनी कम क्यों घुली? इसका उत्तर है, क्योंकि उस गिलास में चीनी डालकर चम्मच से पानी को नहीं हिलाया गया है, इससे उसमें कणों की गतिशीलता कम रही, जिसके कारण उस गिलास में चीनी कम घुली। तीसरा प्रश्न है, दूसरे गिलास में चीनी ज्यादा या जल्दी क्यों घुली होगी? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, दूसरे गिलास में पानी को चम्मच से हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ गई, जिससे घुलन क्रिया तेज हो गई, परिणामतः चीनी ज्यादा या जल्दी घुल गई। देखिए और बताइए, प्रश्न संख्या 65, प्रश्न 1, किस गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और किस में देर से? तो इसका उत्तर है, गर्म पानी के गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और ठंडे पानी के गिलास में चीनी देर से घुलती है। सोचिए और लिखिए, प्रश्न संख्या 66, प्रश्न 1, ऊपर की गई गतिविधियों से चीजों के घुलने के बारे में आपने क्या समझा, अपनी कॉपी में लिखिए। तो उत्तर है, ऊपर की गई गतिविधियों से चीजों के घुलने के बारे में हमने यह समझा कि नंबर 1, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें जल्दी घुल जाती हैं। नंबर 2, पानी को चम्मच से हिलाने पर भी चीजें जल्दी घुल जाती हैं। चर्चा कीजिए, प्रश्न संख्या 67, प्रश्न 1, क्या पहली बार में पेन डूब जाता है? उत्तर, नहीं, पहली बार में पेन नहीं डूबता है। प्रश्न 2, खाली पेन ढक्कन व रिफिल को अलग अलग कर पानी में डालने पर क्या डूबा व क्या तैरा? तो इसका उत्तर है, खाली पेन ढक्कन व रिफिल को अलग अलग कर पानी खाली डालने पर खाली पेन और ढक्कन पानी पर तैरे और रिफिल डूब गए। जब हमने तीनों को अलग अलग करके डाला तो खाली पेन और ढक्कन तो तैर गए और रिफिल डूब गई। प्रश्न 3, खाली पेन किस स्थिति में डूबता है? पता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है, खाली पेन तिरछी स्थिति में डूबता है, क्योंकि पेन के अंदर पानी चले जाने से उसका वजन अधिक हो गया और वह डूब गया। देखिए और बताइए, प्रश्न संख्या 67, प्रश्न 1, क्या तेल पानी में घुल गया? इसका उत्तर है, नहीं, तेल पानी में नहीं घुला। नंबर 2, तेल पानी में कहाँ दिख रहा है? उत्तर, तेल पानी की ऊपरी सतह पर दिख रहा है। प्रश्न 3, आपने दाल सब्जी में भी तेल ऊपर आते देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है, तेल पानी से हल्का होता है तथा अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है, इसलिए दाल सब्जी में भी तेल घुलता नहीं है और यह ऊपर दिखाई देता है। चर्चा कीजिए, प्रश्न संख्या 67, प्रश्न 1, कहा जाता है कि मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दूध और पानी दोनों को मिलाया जाता है तो वे दोनों मिलकर एक रंग व आकार के दिखते हैं।
उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, अतः मित्रों को भी इसी प्रकार एक जैसा ही दिखना चाहिए, तभी मित्रता लंबे समय तक चल सकती है। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न एक, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं? उत्तर, हमारे घर में ठोस वस्तुएं जैसे सब्जी, दालें, बेसन, चावल, आटा आदि किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं। प्रश्न दो, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं लीटर में माप कर लाई जाती हैं? उत्तर, हमारे घर में तरल वस्तुएं जैसे दूध, घी, तेल व छाछ आदि लीटर में माप कर लाई जाती हैं। यह भी कीजिए। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न एक, अलग अलग तीन चार प्रकार के खाली बर्तन लीजिए, उनमें एक लीटर की बोतल से पानी डालकर देखिए किस बर्तन में कितने लीटर पानी आता है। तो जैसे बर्तन, इधर एक सारणी बनाई बच्चों मैंने, इधर लिख दिया बर्तन का नाम, इधर लिख दिया कितने लीटर पानी आता है। तो बर्तन है कढ़ाई, कढ़ाई में एक लीटर पानी, भगोनी 2 लीटर पानी, पतीला बबड़ा पतीले में 4 लीटर पानी, लोटा आधा लीटर पानी, बाल्टी 10 लीटर पानी। अब देखो बच्चों, एक बात याद रखना कि अगर आप ये प्रयोग घर पर करोगे तो थोड़ा सा फर्क है, उक्त बर्तनों में कितने लीटर पानी आएगा यह उसके आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि इनके आकार में काफी अंतर होता है। हो सकता है कि आपका जो पतीला हो वो बहुत बड़ा हो सकता है उसमें 10 लीटर पानी आ जाए, हो सकता है आपकी बाल्टी बहुत बड़ी हो। तो प्रयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रश्न दो, एक बाल्टी को पानी से आधी भरिए, उसमें आलपिन डालकर देखिए क्या होता है। अब उसी आलपिन को अखबार के कागज के एक टुकड़े पर रख कर धीरे से पानी की सतह पर रख दीजिए, थोड़ी देर तक देखते रहिए क्या होता है। जब अपने ऐसा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले आलपिन पानी की बाल्टी में डालने पर वो बाल्टी में डूब जाती है। जब हम ऑलपिन को अखबार के कागज के टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी की सतह पर रखते हैं तो वह थोड़ी देर तैरती रहती है, बाद में कागज के गीला हो जाता है तो गल जाता है, गल जाने पर वह पानी में डूब जाती है। जाना समझा, अब बताइए। प्रश्न एक, अपनी कॉपी में एक तालिका बनाकर पानी में घुलने वाली, तैरने वाली व वाली 10-10 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों मैंने आपके लिए 10-10 नाम लिख दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लो, एक सारणी बना लो जिनमें 4 कॉलम होंगे। पहला है क्रम संख्या, फिर है पानी में घुलने वाली वस्तुएं, फिर है पानी में तैरने वाली वस्तुएं, तीसरा है पानी में डूबने वाली वस्तुएं। तो पहला है नमक, नमक है कागज का टुकड़ा, रबड़ की गेंद, शक्कर, पेन, मोबाइल, बूरा, प्लास्टिक की स्केल, कैंची, चौथा छाछ, प्लास्टिक की गेंद, इंक और ऑलपिन, नींबू का रस पानी में रहता है, पंख, घड़ी, इधर रंग, प्लास्टिक की खाली बोतल, चाबी, सोडा, नाव, सिक्का, ग्लूकोज, स्पंज, कागज का ही टुकड़ा आएगा बच्चों यहाँ पर, टुकड़ा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, टुकड़ा, शरबत, माचिस की तीली, लोहा, दूध, तेल, तांबा। तो ये जो 10 चीजें हैं, इनमें ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ये वाली, ये वो हैं जो पानी में घुलती हैं। ये जो हैं जब इन्हें पानी में डालते हैं ये तैरती हैं, और ये जो हैं ये पानी में डूब जाती हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी अपना काम पूरा कर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।